वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज थोड़ा हम लोग अलग थोड़ा मैश नेटवर्क के ऊपर थोड़ा हम लोग आज स्टडी करेंगे। मैश नेटवर्क जो बेसिकली 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो उसका बेसिकली हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और आज हम लोग वर्क करने वाले हैं कर्व के ऊपर, और कर्व हम लोग बेसिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारे इफेक्ट और कुछ बहुत कुछ हम लोग उसमें ऐड करेंगे। जैसे कि सिंपल अगर हम लोगों को कुछ डायमंड या तो कुछ पर्ल्स के कुछ पूरे ऐसे सेट्स दिखाने हैं एक पर्टिकुलर कर्व के अंदर, तो वो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्विकली बेसिकली मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लस एनिमेशन प्लस स्पेशल इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर सपोज मैं बेसिक एक कर्व लेता हूँ, ओके, तो मैंने एक बेसिक कर्व लिया हुआ है और कर्व का रेडियस हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर कर्व का रेडियस इंक्रीज कर लेते हैं और रोटेट कर लेता है 90 डिग्री, थोड़ा रेडियस कम कर लेता है और हम लोग ले लेंगे ऊपर। मैं प्रेस कर रहा हूं एफ, तो देखिए हम लोग का कर्व रेडी है। इसका हिस्ट्री क्लीन अप कर लो, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, तो यहाँ पे और मॉडिफाई में जाके फ्रीज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन को, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और पॉली मॉडलिंग के अंदर एक बेसिक था एक पॉल के लिए, और यहाँ पे आप लोग बेसिकली वो शेप और मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पे जाके आप शेप और मॉडिफाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग बेसिक सर्कल शेप ही रख रहे हैं इस एग्जांपल के लिए। यहाँ पे हम लोग जैसे एग्जांपल देखेंगे और सिंपल पर्ल्स के लिए मैं सिंपल एक स्फीयर ले रहा हूँ और यहाँ पे इसका हम लोग 20x20 इज फाइन और रेडियस 1 बाय डिफॉल्ट 1 इज ऑल्सो फाइन फॉर मी। यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों को क्या करना है, मेरा कर्व रेडी है, मेरा ऑब्जेक्ट रेडी है, यू हैव टू गो टू मैश, मैश पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्रिएट मैश नेटवर्क, स्फीयर को सिलेक्ट करके, तो बाय डिफॉल्ट उसने हम लोगों को कुछ दे दिया है और हम लोगों को चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है ओवरऑल एट्रीब्यूट्स में, तो मैश एडिटर है, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि ओके, तो बाय डिफॉल्ट उसने हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट दे दिया है, तो उसके ऑप्शन बॉक्स में जाने के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैश है और मेरा मैश डिस्ट्रीब्यूट है। तो अभी मुझे क्या करना है कि बेसिकली मुझे इसको इस कर्व से कनेक्ट करना है, तो कर्व से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो पहला यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है तो डिफॉल्ट पे लेके आ जाओ, 0 पे मैंने लेके आ गया है, काफी कुछ चेंजेस नहीं है। और मैश 1 में जाएंगे, यहाँ पे मैश 1 से मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कर्व का ऑप्शन, जस्ट सिंपल मैंने कर्व के ऑप्शन को सर्च कर लिया है, एड कर्व नोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो मेरा कर्व है यहाँ पे इनपुट कर्व और मेरा एम कर्व है, सपोज बेसिकली एम कर्व और इनपुट कर्व हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल अभी नॉर्मल इनपुट कर्व है, ये जो कर्व है यहाँ पे मुझे ड्रैग करके लेके जाना है, लेकिन सिंपली यू हैव टू यूज योर मिडिल माउस बटन, तो कर्व को यहाँ पे मिडिल माउस से क्लिक करके यू हैव टू ड्रैग इट, हो गया कनेक्ट, बहुत सिंपल था। और अगर मैं अभी इसे प्ले करूँ तो यहाँ पे जो मेरा स्टेप्स है यहाँ पे मैं स्टेप्स और वेरिएशन दे सकता हूँ, एनिमेशन स्पीड पे काम कर सकता हूँ, तो अभी डिफॉल्ट अगर मैं प्ले करूँ तो यू कैन सी वो चालू हो गया है, लाइक 0.5 की स्पीड से वो स्टार्ट हो चुका है और स्टेप्स मेरा 0.1 है, तो यहाँ पे मैं स्टेप्स कम ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और नंबर्स यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पे मेरे नंबर्स है, नंबर के साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं जितना भी नंबर्स चाहिए, सिंपल मेरा रिंग रेडी है और बेसिकली एनिमेटेड भी, अगर एनिमेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे मेरा एनिमेशन स्पीड जो है मैं 0 कर लूँगा, तो स्टैटिक रहेगा बेसिकली, बहुत सिंपल है। तो दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट एग्जाम्पल
जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे कॉप को।